नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर है ये इसराइल से आ रही है। दरअसल इसराइल से एक ऐसी खबर है जो हर एक आतंकवादी के अंदर डर पैदा कर देगी। कुछ ऐसी खबर है, आपको बता दें कि दोस्तों वहाँ पर पेजर से अटैक हुआ है, और पेजर से ये जो अटैक हुआ है उसमें करीब 3,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हिजबुल्ला से रिलेटेड है। अब आपको बता दें कि पूरी स्टोरी है ये क्या, पूरी खबर ऐसी है और कि हिजबुल्ला जो अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करता है, अपनी खबरों को एक दूसरे से पहुंचाता है, वो मोबाइल का यूज़ नहीं करता। उसको लगता है कि अगर हम मोबाइल वगैरह का यूज करेंगे तो इसराइल उनको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, इसराइल समझ जाएगा, जान जाएगा, तो इसलिए वो मोबाइल का यूज़ नहीं करते, वो पेजर का यूज करते हैं। पेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज। और ये बहुत सस्ता होता है, ये 1,000-1,500 रुपये में मिल जाता है पेजर। ये पहले चला करता था, अब नहीं चलता, जब मोबाइल वगैरह है तब पेजर लोग नहीं यूज करते, लेकिन हिजबुल्ला इसको यूज कर रहा था। हिजबुल्ला की पैठ लेबनान देश के अंदर है, तो ये अपना कम्युनिकेशन ऐसे ही करते थे कि जब भी कोई अपना मैसेज पहुंचाना है तो भाई पेजर के थ्रू पहुंचा दिया। और इनके हज़ारों लोग जो हैं हिजबुल्ला के, उनके पास ये है। तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको पता लगा कि ये लोग पेजर का यूज करते हैं। और पेजर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक कंट्री नहीं बनाती, क्योंकि अब उसकी डिमांड नहीं है। तो ये जो बनाती है ताइवान बनाता है, और ताइवान कहीं ना कहीं यूएस के सपोर्ट में तो रहता ही है, क्योंकि चीन के विरोध में है तो यूएस के सपोर्ट में, और यूएस इसराइल का सपोर्टर है। तो हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यूज किया हो यूएस का, और ताइवान की जो कंपनी पेजर बनाती थी, जो हिजबुल्ला को सप्लाई करती थी, उनसे डील कर ली हो। तो इन्होंने किसी भी तरीके से मोसाद उस कंपनी में एंट्री करते हैं जो इनको पेजर की सप्लाई करते थे, और उसमें कोई कोडिंग कर दी। वो कोडिंग ऐसी करी कि उसमें ये जब भी पेजर में ये चाहते थे कि इसको ब्लास्ट कराना है पेजर को, तो उसमें एक बीप सी बजती थी, बीप बजती थी कुछ सेकंड की, फिर उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाता था। ब्लास्ट करता था जो पेजर के अंदर बैटरी लगी होती थी, लिथियम आयन बैटरी, उसकी वजह से ब्लास्ट करता था। अब मोसाद सोचिए कितनी मतलब क्रूअल है, कि ये सोचिए कि फटने से पहले वो बीप की आवाज़ देता था। नॉर्मली पेजर जो रखा जाता है ये कमर के पास लोग रखते हैं, उसको लगाते हैं, या उसको अपनी पॉकेट में डाल के रखते हैं। अब दोस्तों क्या है कि सोचिए, जो जब उसको फटना है उससे पहले वो बीप की आवाज़ देगा, तो बीप की जब कभी कोई आवाज़ देगा तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, हाथ से जहाँ भी उसने वो रखा होगा निकालेगा और अपने मुंह के पास लाएगा, देखेगा क्या मैसेज है या क्या उसमें वॉइस मैसेज है, यही देखेगा। और जैसे वो आँखों के पास लेकर आएगा, सोचिए वो फट जाएगा। तो इससे जो उसको दिखाई देना चाहिए वो दिखेगा नहीं, उसकी आँखें घायल हो जाएंगी। ये मोसाद का ड्रीम था, और इस पर कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी हुए है। ये एक ऐसा उन्होंने काम किया कि हिजबुल्ला के 3,000 से ज़्यादा लोग इसको पेजर को निकाला, और वो बीप किया और वो ब्लास्ट कर गया उनके शरीर में, और ऐसा ज़बरदस्त तरीके से वो लोग घायल हुए हैं कि हो सकता है कि कुछ तो उसमें पूरी लाइफ के लिए इंजर्ड हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ब्रूटल तरीके से। और ये मतलब मोसाद सोचिए क्या सोच थी उसकी, ये वो चाहते थे कि सबको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डैमेज हो, सबकी आंखें चली जाएं। तो दोस्तों आप इससे मोसाद के बारे में समझ सकते हैं कि उनकी प्लानिंग किस लेवल तक की होती है। और ये प्लानिंग जो करी थी मोसाद ने करीब 6 से 8 महीने पहले कर ली थी, और उनको ये लगा था कि जब भी हमें कुछ ज़्यादा लोगों को इंजर्ड करना होगा तो हम ऐसा करेंगे कि एक कोड भेजेंगे और हज़ारों लोगों को एक साथ इंजर्ड कर देंगे। अब ये सोचिए दोस्तों, इस तरह की जो ये चीज़ करी है इसराइल ने,
इस पे अब रिसर्च होनी शुरू हो जाएगी कि आखिर ये इन लोगों ने करा कैसे। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भी हिजबुल्ला के आतंकी हैं या कोई दूसरे जो मेंबर हैं हमास के, अब उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि ये कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में तो ये लोग इंजर्ड कर देते हैं, अब वो किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को यूज करने से ये लोग घबराएंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये पता नहीं क्या कर दे। और ये समझ लीजिए इसराइल की क्या ताकत है, ये लोग भाप नहीं पा रहे हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है कि इसराइल उनके साथ क्या कर सकता है। और इसराइल को जब भी ये कुछ सोचते हैं, इसराइल कुछ इनको अलग ही करके दिखा देता है। अब ये समझ लीजिए कि इस बार फिर से हिजबुल्ला ने एक कसम खाई है कि ये इसराइल को इसके लिए पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कसम तो हर बार हिजबुल्ला और हमास और ईरान ये सब खाते ही हैं, लेकिन इसराइल तो आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है और इसराइल को जो करना होता है वो अपने हिसाब से कर लेता है, और इन लोगों की तरह वो भपकी नहीं देता है, वो करके दिखा देता है। और एक चीज़ और, मोसाद ने ये सब जो भी किया है इसके लिए मोसाद ने कहीं पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई है। इसराइल की ये खासियत है, वो चाहे छोटा अपना कोई काम करे या कोई बहुत बड़ा काम करे, वो अपना प्रचार नहीं करते, बताते नहीं कि ये हमने कर दिया है, उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, बाकी आप अब समझते रहिए उन्होंने क्या किया, आप उस पर अब रिसर्च करिए। वो अगली चीज़ पे लग जाते हैं, अगले ऑपरेशन की तरफ। अब इसराइल ने जैसे ये कंप्लीट कर दिया है, अब इसराइल दूसरी चीज़ों पे लग चुका होगा, वो दूसरी चीज़ों पे अब काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद हम लोगों को पता लगेगा कि इसराइल ने ये नई चीज़ फिर से कर दी है। तो इसराइल बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा आगे सोच के वो लोग काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हिजबुल्ला और इसराइल के बीच की तो जो ये लड़ाई है ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी ही। अब अगला अपडेट देखें कि होता क्या है, अब क्या हिजबुल्ला कर पाता है इसराइल के ख़िलाफ़, या इसराइल अब वापस से कुछ और करता है या नहीं करता, ये अब देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।